सर, कंचन टीवी में आपका स्वागत है। सर, आज कोरोना के कितने पेशेंट आ चुके हैं? आज कोरोना के 106 नए मामले आए हैं और इन 106 को मिला के जो टोटल एक्टिव केसों की संख्या 1343 हो गई है और आज 112 पेशेंट ठीक भी हुए हैं। लेकिन आज 2 की मौत हुई है, एक 76 वर्षीय फीमेल थी, महिला थी, और एक 68 वर्षीय महिला थी, दोनों शहजादपुर इलाके की रहने वाली थी। और इसके साथ ही जो आज केस आए हैं उनमें 52 केस हैं अम्बाला सिटी से, अम्बाला कैंट से 10 केस हैं, चौड़मपुर का जो ग्रामीण इलाका है 12 केस वहाँ से हैं, नारायणगढ़ से 8 केस हैं, 14 केस शहजादपुर से हैं, 5 मुलाना से हैं और 5 बराड़ा से हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगभग पूरे ज़िले से केस आ रहे हैं, चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों। हाँ, सिटी से केस थोड़े ही ज़्यादा आ रहे हैं और वो हमारे पास वो एरिया हैं, उनको हम कंटेनमेंट जोन बनाने जा रहे हैं। लगभग हम 80 से ऊपर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रहे हैं और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी रहेगी, उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके घर भी नहीं जा सकेंगे और जो जिन घरों को हम चिन्हित करेंगे उन घरों में किसी का आना जाना होगा तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि हम पिछले दिनों आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से बहुत चेतावनी दे चुके हैं और समाज के लोगों का, हर जो नागरिक है उसका कर्तव्य बनता है कि इस कोरोना की महामारी को हराने के लिए सभी ने मिलकर साथ लड़ना होगा। अकेला ये है कि सिर्फ हमारी एडवर्टाइजमेंट करने से या चलान करने से लोग नहीं समझने वाले। जब तक हम उनके खिलाफ FIR नहीं करवाएंगे और कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग समझने वाले नहीं हैं, हम ये देख चुके हैं। तो आने वाले दिनों में हम सख्त कदम उठाएंगे और जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो गैदरिंग्स के ऊपर बैन लगाया है उन उसी तरह हम देखेंगे कि भी जो फ्यूनरल में मोर देन 50 यानी 50 से ऊपर और जो ओपन में गैदरिंग है वो 500 से ज़्यादा नहीं, मान लो कोई वो हो रहा है, जो इंडोर गैदरिंग है वो अगर कोई हॉल है तो 50% कैपेसिटी से कम या उसकी ये है कि मैक्सिमम 200 उस हाल में, अगर कैपेसिटी उसकी 1000 की हो 200 से ऊपर उस हाल में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये जो सारी की सारी हरियाणा गवर्नमेंट की एडवाइजरी है इसको पूरे पूर्ण रूप से हम लागू करने जा रहे हैं और हमने सैम्पलिंग भी बढ़ाई है और जो वैक्सीनेशन है हम लगभग 2.25 लाख के आसपास कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगा चुके हैं और ज़िले को 55,000 वैक्सीन कल और मिलने जा रही है। तो आने वाले दिनों में हम अपनी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरी सभी अलावासियों से अंत में हाथ जोड़ के अपील है, अभी कोरोना को हल्के में मत लें, अन्यथा ये है कि आप अपने किसी प्रियजन को खो बैठोगे। जैसे हर रोज़ आप देख रहे हो एक या दो मौत अम्बाला में हो रही हैं और जो जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनको आप वार्ड में जाके देखिए, उनकी इतनी भयावह उनको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी है फेफड़ों की, तक उनको अगले 6-7 महीनों में उनका ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह कोई कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, आखिर में जो हमारे से पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं वो हमारे से वो कर रहे हैं, अक्सर हम भी हल्के में लेते थे, आगे जाके लोगों को हम जागरूक करेंगे। तो कम से कम जिनको कोरोना हुआ है उनसे तो हाल पूछ लें, उनकी हालत क्या बना दी। लगभग 40% लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जिंदगी जीने का वो है, वो सब कुछ बदल दिया है कोरोना की कॉम्प्लिकेशन ने, वो अपनी प्रॉपर दिनचर्या पूरी नहीं कर पाते। और कोरोना को हल्का खांसी जुकाम या निमोनिया मत लें, कोरोना से जो लंग में डैमेज हो रही है वो लगभग 6 महीने से लेके 1 साल के बाद तक ठीक होती है, तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है खुद सोच लो। सर, कुल कितनी मौतें हो चुकी हैं इसमें और कुल कितने एक्टिव केसेस हैं? सर, अम्बाला ज़िले में 166 मौतें हो चुकी हैं आज तक और जो एक्टिव केस हैं 1343 एक्टिव केस हैं। तो ये है कि एक्टिव केस में जो लगभग हमारे 125 केस हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बाकी होम आइसोलेशन में केस हैं। हम जल्दी जो कोविड केयर सेंटर जहाँ पर जिनके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है उनके लिए कोविड केयर सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से लगभग हर सब डिवीजन में एक एक कोविड केयर सेंटर होगा। कंचन टीवी को आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।